वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। जैसे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि नए कार की डिलीवरी हो गई है, जैसे वी हैव बॉट i10 Nios CNG मॉडल। और यस, दिस इज़ आवर फर्स्ट राइड, फर्स्ट रोड ट्रिप टू तुलजापुर, मुंबई टू तुलजापुर। तो यहाँ से सबसे पहले गांव जाएंगे, गांव में डैड को पिक करेंगे, क्योंकि ये प्लान डैड का है। क्या बोलता है, अगर हम लोग का प्लान होता तो कहाँ पे होता? गोवा, तारकर्ली गोवा। सो ये भी प्लान्ड है एक्चुअली, बट ये थोड़ा बाद में। तो सबसे पहले डैड का एक्चुअली बहुत ये था कि डैड को जाना है तुलजापुर, तो वो सबसे पहले कर लेंगे, और वो थोड़ा नज़दीक भी है मेरे गांव से। तो यस, आज 11th of March है, सुबह के बज गए 5। यहाँ से सबसे पहले गांव पहुँचेंगे, जो कि 4 घंटा लगेगा, फिर वहाँ से डायरेक्ट सोलापुर हाईवे, राइट। ये बंदा तुलजापुर का ही है, तो अपने आज एकदम पक्का बोलते ना रूट है, गूगल मैप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्या बोलते हैं? तो ठीक है, चलेगा गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। और यस, ये टोटल रोड ट्रिप 8 घंटे का होने वाला है। सो यस, चलते हैं अभिषेक के साथ। जैसे कि लास्ट राइड आपने देखा मुंबई टू शिवनेरी फोर्ट, ही वॉज द वन वॉज राइडिंग विथ मी। तो चलो राइड, सफ़र का मज़ा लेते हैं, दिखा देता हूँ थोड़ा उजाला होने के बाद, क्या बोलते हैं? चले चलो। पहले अंदर गांव साइड में जाएंगे पुणे में, डैड को पिक करेंगे वहां से, और फिर से सोलापुर हाईवे में लगेंगे। फिलहाल एक्चुअली बहुत ट्रैफिक था आज, बहुत ट्रैफिक मिला, क्योंकि अभी महाशिवरात्रि है आज, तो उसकी वजह से लॉन्ग वीकेंड है आज फिलहाल, 4 दिन का, तो पब्लिक पूरे निकले बाहर, तो बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, बहुत ट्रैफिक मिला। अभी फिलहाल थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो तय गाँव पहुँच गया है अभी ऑलमोस्ट। यहाँ से आगे मिलेंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे या फिर घर में करेंगे, सीधा घर में मेरे, और फिर डायरेक्ट पहले सोलापुर हाईवे पे निकलेंगे, मिलेंगे। तो बाय द वे, अगर आप लोगों को मालूम नहीं है, हम लोग तुलजापुर जा रहे हैं, जो तुलजा भवानी बोलते हैं, ये हमारे महाराष्ट्र की कुलदेवत बोलते हैं हम लोग, जय भवानी। तो वहाँ पर हम लोग विज़िट करेंगे टेम्पल का, और यस, सेकेंड पार्ट आपको देखने मिलेगा टेम्पल में विज़िट करते हुए, तो स्टे ट्यून्ड। ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा वेट कीजिए नेक्स्ट। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं कैसे जाता है अपना जर्नी। अच्छा खासा सुबह हो गए, फिर से एक चाय का तलब लगा है, देखो। ना चाय नहीं रे बाबा, सेहत का नहीं ख्याल करो गाइस। नहीं नहीं नहीं, चाय एक्चुअली अगर ट्रैवल कर रहे हो तो चाय और मिसल और खाना ये होना ही चाहिए, क्योंकि दिस इज द मेन पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग। अगर ये नहीं किए तो कुछ नहीं किए। थोड़ा ये धूप हुआ क्या, महाशिवरात्रि भी है पास, तो नहीं इसका फास्ट है आज, मिसल का प्रोग्राम तो नहीं हो पाएगा, पर मैं मिसल दिखाऊंगा भाई। तो कल रात को बोला पकड़ के बाद देखते देखते आगे आगे निकलेंगे, फिर सीधा तेरा क्या उपास। तो क्या लगता है कौन सा रूट अच्छा रहेगा? हाँ, अहमदनगर वाला अच्छा रहेगा कि वो दूसरा? अहमदनगर वाला नहीं, अहमदनगर वाला बहुत घूमते जाएगा,
हाँ ना, उसमें भी अमरनाथ वाला विदाउट टोल वाला रूट है, तो लगता नहीं है वो हाईवे रहेगा, खाली एक नंबर है। कोई नहीं, चलो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी 3 घंटे हो गए, 8 बज गए ना। तो चलो गाइस अभी हो गया ब्रेकफास्ट अपना, सुबह के 8:30 बज गए और 3.5 घंटा हो गया हम लोग को सुबह से निकलते हुए, तो अपना डेस्टिनेशन पहले पहुंच रहा है, लाइक 30 मिनट्स बाकी अभी से, फिर वहाँ से सीधा निकलेंगे, वेट नहीं करना है किधर किधर, रुकना भी नहीं है, और फिर सीधा सोलापुर हाईवे पे लगेंगे, अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स तुलजापुर। चलो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो हे गाइस, अभी दोपहर के 1 बजे और जैसे बताया था कि डैड को ले लिया हम लोग ने गांव से पिक कर लिया है, तो अभी यहाँ से अभिषेक कहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट भी जाएंगे तुलजापुर। हाँ बट कौन सा रूट एग्जैक्टली, अभी यहाँ से सीधा सोलापुर हाईवे लेंगे और 300 किलोमीटर है अप्रॉक्स, जो कि लगेगा 6 घंटा, तो शाम के 7 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे सब लोग, और फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट प्लान जो है तुलजापुर का वो कल सुबह देखने मिलेगा पार्ट 2। तो दर्शन को कल सुबह ही जाने का प्लान है, क्योंकि रात को मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा ज़्यादा इसके लिए, तो चलते हैं आगे, सफ़र देखते रहिए कैसा है, कैसे पहुँचते हैं। तो गाइस अभी सोलापुर पहुंच गए, ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिए और बहुत टाइम हो गया, एक्चुअली पहुंचते पहुंचते हम लोग को हो गए 7 बज गए शाम के, क्योंकि जहाँ से डैड को पिक किया वहाँ पे बहुत हॉल्ट लिया हम लोग ने 2-3 घंटा, खाना वीना खा के निकले इसके वजह से, और टोटल जर्नी फ्रॉम मुंबई टू तुलजापुर इट्स अराउंड 8 आवर्स, तो हम लोग को 8 घंटे प्रॉपर लग गए वैसे देखने गया तो। अभी 15-20 मिनट में पहुँचेंगे हम लोग, तो अभी फिलहाल तो CNG पंप ढूंढ रहे हैं क्योंकि CNG की कमी हो गई है यहाँ पे। तो चले चलो अभी सीधा घर पे जाके मिलते हैं, क्योंकि कल तुलजापुर के टेंपल में जाके दर्शन करेंगे, आज का प्लान नहीं क्योंकि रात हो गई तो कुछ दिखा नहीं पाएंगे हम लोग। चलो पापा चलो तो मॉर्निंग वाला कुड़ी गला हाँ तो चला फॉर्चुनर